अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला तो रालोद मुखिया जयंत चौधरी का नजरिया ही बदल गया। जिस सरकार को वह हल तक किसान विरोधी बता रहे थे, आज उन्हें उस सरकार में चौधरी चरण सिंह की नीतियां नजर आई। इसे लेकर विपक्षी सांसदों ने शोर शराबा किया, हंगामा हुआ तो जयंत आहत भी हो गए। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब को जो सम्मान मिला है उस मौके पर एनडीए संघ जाने और न जाने जैसे मुद्दों पर सवाल करना चौधरी साहब की शख्सियत का अपमान है, बहुत छोटी बात है। भारत रत्न की घोषणा के तुरंत बाद ही मोदी जी ने दिल जीत लिया और एनडीए में जाने की तमाम अटकलों पर जयंत चौधरी ने भले ही यह कहते हुए विराम लगाने की कोशिश की कि अब वह किस मुंह से इनकार करें। जयंत चौधरी अभी तक राजनीतिक भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि तमाम राजनीतिक पंडित दोस्त अखिलेश यादव को छोड़कर भाजपा में जाने अथवा न जाने और उनके द्वारा किए जा रहे तमाम वक्तव्यों के सियासी मायने निकाल रहे हैं। मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। बाकी जब जो तालमेल है, तालमेल की क्या प्रक्रिया है, क्या बातें तय हुई हैं, आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, वो सारे सवाल समय पे उनका जवाब दिया जाएगा। दिल जीत लिया भारत रत्न देकर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को दिया, नरसिम्हा राव जी को दिया, चौधरी चरण सिंह जी को दिया, जमीनी लोगों को जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे प्रकाश नहीं डल पा रहा था, आज दोबारा उनको लाइमलाइट में लाकर उनके विचारों को लोगों के बीच जिंदा रखने का बड़ा काम किया है और उस काम की सराहना हर जगह हो रही है, देश के हर कोने में। जो उस विचारधारा के साथ नहीं जुड़े होते तो उनकी सरकार भारत नहीं देती। मैं पीछे से कुछ नहीं करता, सामने से ही करता हूँ। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जयंत चौधरी भाजपा संग जाते हैं तो यह बेहद जरूरी हो सकता है कि उन्हें उनके कद से ज्यादा बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन इसके बाद वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित नहीं होंगे। इसकी मोदी की गारंटी के इस दौर में कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल राजनीतिक दांवपेच और उसके निहितार्थ लगाए वे समझे जा रहे हैं। भविष्य में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो नियति तय करेगी जब सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा होगी। लेकिन इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों समेत हरियाणा तो यूपी के जाटों, किसानों, गुजरों व पिछड़ों को साधने का काम किया है। मोदी की दूरदर्शिता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि दक्षिण के दरवाजे को भी उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर खोल दिया है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर को यही सम्मान देकर उन्होंने फिलहाल तो इंडिया गठबंधन को पलीता लगा दिया है। नीतीश की वापसी सीधे सीधे एनडीए के कुनबों में 20 संसदीय सीटों को जोड़ने वाली नजर आ रही है। इन फैसलों के बाद अब तो यह है कि सोनिया गांधी को भी थैंक यू कहना पड़ा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद मोदी सरकार ने भारत रत्न देने की जो झड़ी लगाई है उसने विपक्ष के सामने एक लंबी लाइन खींच दी है। इसके बाद आज अमित शाह का यह कहना है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व देश में CAA लागू कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं यह संकेत देने के लिए काफी है कि हिंदुत्व की जमीन पर मोदी व अमित शाह की जोड़ी लोकसभा 2024 के चुनाव में विपक्ष को खेलने तक का मौका नहीं देने जा रही है। वहीं राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया का कुनबा एक साथ खड़ा हो सके। अमित शाह ने यह भी कहा है कि CAA से किसी की भी नागरिकता खत्म नहीं होने जा रही है। हालांकि चुनावी दौर में क्या कहा गया और क्या न कहा गया यह सब बेमानी होते हैं। आज यही बात जयंत चौधरी ने उस बयान पर कही जो भाजपा संघ जाने की अटकलों के बीच उनकी पुरानी वीडियो वायरल की जा रही है। इस वीडियो में वह यह कहते नजर आ रहे हैं कि वह कोई चवन्य नहीं है जो पलट जाएंगे। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंद आ गया, पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा, इस तरीके से आप किसानों को रौंद के गाड़ियां चलेगी। और आज भी वो लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पर उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? आज लोकसभा से बाहर जब उनसे इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा।
आपने कहा था मैं अठन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ एक बार, आपने चवन्नी तो उसमें क्या कहेंगे जयंत आप? वो चुनावी जो गर्मियों में बातें कही जाती हैं उसके मायने अलग होते हैं। चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, तो मैं कहता हूं कि जब चुनाव के पहले जो विपक्ष बोलता है उसे तो लोग वैसे ही भूल जाते हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो क्या बोले थे वो याद रखना चाहिए पब्लिक। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया। KMC कैंसर संस्थान, KMC हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है।